वैष्णव पद अवरिद सुस पद सुन भाई हरियाय कमल। इसका मतलब है कहते पृथ्वी का असली धन क्या है, कहते वैष्णव का चरण ही पृथ्वी का असली धन है। इसलिए जब श्री हरिदास ठाकुर ने ये शरीर को छोड़ा, महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर जी को गोद में उठा करके ले गए। एक दिन हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को बोले, प्रभु मेरे को ऐसे लगता है आप जल्दी जल्दी ये संसार छोड़ने वाले हो। प्रभु जी आप जाने से पहले मैं चाहता हूँ अपना शरीर त्याग करना, क्योंकि आपका विरह को मैं सहने नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु ने कहा, हरिदास अगर तुम चली जाओगे तो सब कुछ लीला तो तुम लोगों को लेकर के, अगर तुम लोग चले जाओगे फिर मैं अकेला क्या करूंगा, मैं अकेला क्या करूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते, प्रभु पृथ्वी से जब एक चिट्ठी चली जाए पृथ्वी का कोई हानि होता है क्या? आपका लीला में तो अनंत भक्त मदद करने वाले, इसलिए मैं तो एक चिट्ठी जैसा हूँ, अगर ये चिट्ठी अगर पृथ्वी से मर जाए पृथ्वी का थोड़ी कोई हानि है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु कहते हरिदास, कहते हरिदास शिलो पृथ्वी शिरोमणि। ये चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़े तब कहते हरिदास शिलो पृथ्वी शिरोमणि तुमा बिना रत्न सुनना है। कहते हरिदास जब तुम ये शरीर छोड़ दोगे ना, ये पृथ्वी का असली धन क्या है? कहते वैष्णव का चरण, वैष्णव का चरण है यही पृथ्वी का असली धन है। इसलिए श्री नरसिंह भगवान कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरसाम जेसाम कुले वैष्णव नाम। ये स्वयं भगवान कहते हैं, एक वैष्णव एक संत जब ये पृथ्वी पर आते हैं ये क्या लाभ है? कहते जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, क्या चल रहा है ये? कहते जब ये हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, कहते स्वर्ग में देवता में कल्याण होता है। इनकी दृष्टि भक्तों का दृष्टि कैसे प्रेममय दृष्टि, उनकी आंख कोई साधारण आंखें नहीं है। कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, उनका जो आंखें है वो प्रेम रूपी अंजन लगाए हुए, वो दृष्टि से जितने दूर तक वो देखते हैं, जितना दूर तक इनका दृष्टि जाए जितने अमंगल जितने दुख कष्ट सब के सब दूर हो जाता है। जब वो प्रेम से नृत्य करते हैं उनके चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती, अहो भाग्य संतों का हम चरण स्पर्श हमें मिल रहा है। इसलिए भगवान कहते कुलम पवित्रम, किसी कुल में जब किसी उत्तम वैष्णव जन्म ग्रहण करे तो उसका 21 पीढ़ी उधार होता है, कोई मध्यम वैष्णव जन्म ग्रहण करे तो उसका 14 पीढ़ी उधार होता है, अगर कोई कनिष्ठ भक्त जन्म ग्रहण करे तो उनको 7 पीढ़ी उधार होता है। इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते हैं, त्रि सप्त भी पिता पुत। जब प्रहलाद ने कहा, प्रभु जी मेरे पिताजी को उधार कर दो, तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे पिता का नाम क्यों कह रहे हो? तुम्हारा तो त्रि सप्त भी पिता पुत, तुम्हारा तो 3-7 पीढ़ी उधार हो गया है। इसे बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था, जो माँ वो बच्चे को जन्म देती है वो जननी भी का जीवन भी धन्य हो जाती है। वसुंधरा वसतिश्च धन्या, तो भगवान कहते वसुंधरा मतलब पृथ्वी, जब ये वैष्णव कोई जन्म ग्रहण करता है यदि पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है, हैं? नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरसाम, जो पूर्वज लोग चले गए जब देखते हैं वैष्णव कुल में कोई वैष्णव जन्म ग्रहण किया उसमें क्या लाभ होता है? बोले नृत्यन्ति स्वर्गे, स्वर्ग में जो पितृ पुरुष लोग हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते, अहो भाग्य है हमारी वंश में भक्ति करने वाले एक वैष्णव संतान जन्म लिया, हमारे कितना सौभाग्य है। हाँ वसुंधरा वसतिश्च धन्या, वो पृथ्वी भी धन्य धन्य मानती है जैसा कुल वैष्णव नाम है, जिस कुल में एक वैष्णव जन्म ग्रहण करे इतना लाभ एक वैष्णव। इसलिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद
अबा निरा सुसंपदा। कहते वैष्णव का पद ही चरण ही ये पृथ्वी का असली संपत्ति है। सुना भाई हैया एक मन, कहते भैया लोग एक मन से सुना। बोले क्या सुना? बोले वैष्णव का चरण की कितने महिमा। उसको बाद में कहते हैं, बोले आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण नाये, आश्रय लिया भजे जीवन धन्य है। बोले उनका ही जीवन धन्य है जो लोग वैष्णव का आश्रय लेकर के सदगुरु आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं। बोले उनका ही केवल जीवन धन्य। आर सब मरे कारण जो लोग बिना गुरु के बिना वैष्णव के चरणों को आश्रय किए बगैर जीवन बिताते हैं। लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो। लोचन दास ठाकुर कहते हैं वो पापी केवल आया और गया, आया और गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका जीवन बेकार हो गया। उसका जीवन आर सब मरे अकारण, सब के सब बिना कारण से मरते। वैष्णव चरण जला भक्ति दिते बल आर कहना है बल। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर जीवन में कोई भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, जगत में ऐसे तीन चीज है जो सबसे जल्दी से जल्दी भगवत प्रेम पा सकते हो। कहते भैया वो तीन चीज क्या है? बोले क्या है? कहते ऐसे तीन चीज है अगर जीवन में कोई भगवत प्रेम को पाना चाहते हो, जीवन में सबसे जल्दी से जल्दी चीज वो तीन चीज दे सकता है। वो तीन चीज क्या है? कौन बोले? हाथ उठा। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहता है बोलो? क्या कौन बोलेगा? चरण डेली चरण जल और मां। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्त पद जल और भक्त पद धूली भक्त भुक्त शेष तीन साधन। वो कहते हैं ये तीन चीज जगत में सबसे जल्दी भगवत प्रेम देगा। बोले तीन चीज क्या है? पहला नंबर है भक्तों का चरण धूली, दूसरा नंबर है वैष्णव का चरण जल और तीसरा है उनकी अधरा मृत भाव की कथा मृत। ये तीन चीज जितने जल्दी ये भगवत प्रेम को दे सकता है जगत में और कोई चीज नहीं,
जो इतना जल्दी हमें भगवत प्रेम को दे सकता है, कोई चीज जगत में नहीं। इसलिए इसमें कहते हैं वैष्णव चरण चल प्रेम भक्ति दीते बल आर केह नहीं बलवंत। इसलिए जगत में और इतना किसी चीज में बल है ही नहीं जो वैष्णव का चरण का जल से जितने जल्दी तुम्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बिनु आर नाही भूषण अंत। बोले जगत में सबसे बड़ा सुंदर भूषण क्या है? हम सोचते सोने के मुकुट धारण करें, बढ़िया पगड़ी धारण करें, बोले नहीं ये सर का भूषण नहीं। बोले सर का भूषण क्या? बोले वैष्णव का चरण धूल। वैष्णव का चरण धूल में इतनी शक्ति, कहते हमारी बात छोड़ दो, भगवान खुद कहते हैं बोले अनुब्रजामि अहम नित्यं पुये एत अग्र रेणुभि। मैं स्वयं वैष्णव को पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों? बोले वैष्णव का चरण धूलि पाने के लिए। बोले भैया आप क्यों चलते हो? कहते भैया हम बहुत बहुत मैं ऋणी बन गया है, वैष्णव लोग मेरे इतने सेवा करते हैं, अगर सेवा करते मैं उनको कुछ देना चाहता तो भैया कुछ ले लो। बोले प्रभु कुछ देना चाहते हो आपके चरण की सेवा दे, आपके चरण की एक तो सेवा करते हैं फिर देना चाहता हूँ, फिर कहते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी कविता जगदीश कावे मम जन्म नि जन्म निश्वर भवता भक्ति अयुक्त। प्रभु जन्म जन्मांतर आपके चरण की हम सेवा भक्ति चाहते, एक तो कुछ लेते नहीं, अगर कुछ देने के लिए चाहते फिर क्या कहते आपकी सेवा, तो फिर हम ऋणी बन जाता हूँ, ऋणी को पर ऋणी बनते जा रहा हूँ वैष्णव का भक्तों का है। फिर मैं सोचता हूँ भैया ऋणी से ऋणी कैसे बनूंगा, अगर इनकी चरण धूलि मेरे से मेरे किसी तरह से मिल जाए ना हम ऋणी से ऋणी बन जाऊंगा। अगर मैं किसी भक्तों का चरण धूलि लेने के लिए जाऊँ कोई देगा? ठाकुर जी अगर भक्तों को बोले चरण धूलि दो कोई देगा? कोई देगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं इसलिए मैं छुप छुप करके उनको पीछे 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 चलता हूँ, क्योंकि जब वो चलेंगे चरण धूलि उड़ेगा, उड़ेगा तो सर में पड़ेगा, पड़ेगा तो मैं पवित्र हो जाऊँ। देखो जिनकी चरण धूलि कौन चाहते हैं? स्वयं कृष्ण भगवान राम चाहते हैं भक्तों का चरण धूलि को लेने के लिए। इतने वैष्णव की चरण धूलि कितने महिमा इतने। बोले श्री वैष्णव ठाकुर की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, बोले नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की, नित्यलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की, सपरिकर गौर हरि की। इसलिए कितने महिमा भक्तों की चरण की धूल को इतना महिमा है। बोले तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया Yeah.
जल पवित्र गुणे लिखिया से पुराने ये सब भक्ति प्रवचन। इसका मतलब है जो बताया भैया तीर्थ में जाओ स्नान करो क्या होगा पवित्र हो जाओगे। देखो नरसिंह दास ठाकुर कहते क्या बोले सो भक्ति का प्रवचन है। तीर्थ स्नान करने से क्या होता है तीर्थ में डुबकी लगाए जितना शरीर डुबकी गंगा जल में डूबता है ना पाप धीरे 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 ऊपर उठता। प्यार में अगर डूब गया पेट के ऊपर पाप बैठ जाएगा। पेट को जब डूब गया छाती के ऊपर पाप बैठ जाएगा। छाती डूब गया तो सर के ऊपर पाप बैठ जाता है। जब सर डूब जाती है ना वो पाप ऊपर में घूमने लगता है पाप ऊपर में घूमने लगता है। जब फिर उठता है ना फिर पाप बैठ जाता है। इसलिए घर में आकर के हैं फिर जो पाप कर रहे थे फिर दोबारा वही पाप करना शुरू कर देते। इसलिए कहते भैया तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया चे पुराने ये सब भक्ति का प्रवचन। ये ठगना है सबके सब लेकिन वैष्णव और पाद तो समा नहीं है ऐसा। लेकिन वैष्णव का जो चरण धूलि को साथ में उनकी चरणामृत को साथ में तीर्थ को बराबर नहीं कर सकते। बोले तीर्थ कुर्वन्त तीर्थानि सान्त्वस्तेन गदाकृतम्। कहते भक्त लोग अपना हृदय में तीर्थ भगवान को धारण करते हैं। जो भक्त है वो साक्षात तीर्थ स्वरूप है। भक्त कौन है साक्षात तीर्थ भक्त है। भैया भक्त लोगों को भी तो देखने को मिलता वो भी तो जाते हैं तीर्थ में स्नान करने के लिए। फिर जब वो स्वयं तीर्थ स्वरूप फिर ये क्यों तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं। बोले कारण है जो पापी लोग आकर के तीर्थ में स्नान करते हैं ना वो महिला हो जाती है तीर्थ अपवित्र हो जाती है। कहते जो वैष्णव का इतना महिमा जब वैष्णव लोग जाकर के केवल स्पर्श हो जाए पानी में है जितने सारे पापों को ये वैष्णव ग्रहण कर लेते इतने शक्ति सारे पाप को ग्रहण करके तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि पुनः वो तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करने वाले कौन है। इसलिए इनको साथ में आप दुनिया का किसी चीज को भी आप बराबर नहीं कर सकते हो। इतने महिमा श्री वैष्णव ठाकुरों की इतने महिमा है जगत में। इसलिए यहाँ पर कहते वैष्णव संगत मान आनंदित अनुख्य आनंद किसमें है वैष्णव के साथ। देखो वैष्णव के साथ हरि कीर्तन हरि कथा हरि नाम ठाकुर जी का भजन ठाकुर का कीर्तन कितना आनंद लगता है हैं। इसलिए अगर कहीं सही आनंद है ना केवल भक्तों के संग में ही आनंद है। क्या कारण क्या सदा है कृष्ण पर संग आनंद का कारण है। आनंद कंद कौन है आनंद स्वरूप कौन है प्रेम स्वरूप कौन है रस स्वरूप श्री ठाकुर जी। इसलिए आनंद है कथ मत तथा मदगता चिंता बोधयंत परस्परम तथयंति च माम नित्यम तुसंति च धर्मम च। इसलिए आनंद है वो हर समय प्रभु की कथा प्रभु की चिंतन प्रभु की नाम प्रभु का कीर्तन में करते हैं आनंद स्वरूप तो ठाकुर जी है। अगर हर समय ठाकुर का कीर्तन भजन कर आनंद ही आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते दीना नरोत्तम कांदे या धर्ज नाई बंदे मोर दशा खे न है लभंग। नरोत्तम दास ठाकुर दीनता पूर्वक कहते भैया अरे मेरे को ये वैष्णव संग क्यों नहीं मिला वैष्णव का संग में क्यों नहीं मिला वैष्णव से दूर क्यों रह गए हैं। वो अपना दीनता प्रकट पूर्वक कह रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्यवान आज दो चीत प्रभु इधर कहते हैं आज हम दो वैष्णव ऐसे दो महापुरुष का आज एक महापुरुष का आज देवभाव करके जन्मतिथि किसकी है लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज आज आविर्भाव तिथि है। और हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज आज आविर्भाव
आज दो दो महापुरुषों का है, आज दो दो महापुरुष का आज जन्म और तिरुभाव तिथि हम सबके सब की तिथि को उपलक्ष्य करते हुए हम यहाँ पर सबके सब उपस्थित हुए। आज हम कोशिश करेंगे इनका जो दिव्य गुणानुवास, इनका जो दिव्य चरित्र है, इनका जो शिक्षा है, हैं इन लोगों का जो भजन साधन की जो पद्धति है, इन लोगों ने हमें क्या देकर गए हैं, हम कैसे इनकी उपदेश को अपना जीवन में उतार सकते हैं, हम लोग आज इस विषय पर हैं हम लोग श्रवण करेंगे। वैष्णव गुणानुवाद जीत कहाँ गया? जीत प्रभु जी, ओ जीत घूम करके आ रही, प्रभु जी आप कुछ गुरु जी के बारे में बोल सकते हो? एक माइक दे दो जिसमें सबके सब उसमें बोल सकते हैं, ठीक है? अब इधर 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 आ जाए, एक मिनट हम माहौल खिला दो। जीत प्रभु क्या कर रहा कथा भी सुन दे, हम सबको बोल उनको पर कौन कौन बोलेगा देख लो, यहाँ पर पोस्ट पर बोल सबसे पहले मैं रूम को और कौन है देखो ये जो प्रभु जी खड़े हुए ना, इनका नाम है श्री विनोद प्रभु जी, ये बड़ी गुरु जी की हमारे महाराज की ये शिष्य है। और ये क्या काम करते जी? इस सीए का काम करते हैं। ये जो मंदिर देख रहे ना, आप सोच नहीं सकते इन्होंने ये मंदिर के लिए कितना परिश्रम प्रभु ने किया, बहुत अकलांत परिश्रम किया है। त्याग से कैसे बचाना, हमारे ऊपर तो 30 लाख सब 40 लाख रुपया सब त्याग से इसमें बैठने वाला था, है हम लोग को त्याग से भरना था, लेकिन प्रभु जी दिन रात परिश्रम करते हुए प्रभु जी अकलांत परिश्रम प्रभु जी किए हैं। कभी इतना नहीं कैसे क्या करना नहीं करना, प्रभु जी बहुत अकलांत परिश्रम, आप जितना सोच सकते हो प्रभु जी से ज्यादा किया है। अब इनके लिए ताली बजा प्रभु जी, इतने सेवा की है तभी हम लोग आज यहाँ बैठ करके हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी की हम कथा सुन रहे हैं। ठाकुर जी प्रभु जी बड़े दीनहीन प्रभु जी हैं, प्रभु जी बड़े दीनहीन हैं, हैं सब कुछ सेवा करते हुए भी प्रभु जी के अंदर में कोई अभिमान नहीं, प्रभु जी के अंदर में बड़े दीनहीन, जितना सोच सकता ना उससे ज्यादा बड़े दीन। ठीक प्रभु बोलो बताइए क्या बताइए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुदेव महाराज की जय, वैष्णव की जय। आज एक बहुत ही शुभ तिथि है और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दो बहुत महान आचार्यगण की आज एक आविर्भाव दिवस, एक तिरुभाव दिवस है, ये बहुत ही विशेष महत्व का तिथि है। और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो केवल और केवल उनकी कृपा मात्र से ही संभव हो रहा है।
हमारा अपना कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है महाराज जी ने भी जो कुछ भी कहा है केवल केवल गुरु वैष्णव की कृपा से ही संभव हो सकता है। मतलब हम लोग तो एक उन्होंने हमें एक माध्यम बना करके वो जो संसार में करने आए हैं और वो कर रहे हैं क्योंकि नित्य है वैष्णव और वो युगों युगों तक ये चलता रहेगा, नित्य काल तक ये चलता रहेगा। अभी अप्रकट है हमारे इस दृष्टि से, हमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन उनकी कृपा जो है वो अनंत काल तक चलती रहेगी और वो अपना ही प्रताप जो है गुरु वैष्णव के माध्यम से महाराज जी के माध्यम से सब हमसे करवा रहे हैं, जो हमारे लिए संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिना उनकी कृपा के उनके बल के संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो जो करवा रहे हैं वो सब गुरु वैष्णव ही कृपा करके हमसे करवा रहे हैं। हम तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, उन्होंने हमें दिया है नाम। ये बहुत ही महाबदन्याय चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो है हमें दे रहे हैं और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, ये केवल और केवल उनके बल से, उनकी प्रेरणा से, कृपा से हम यहाँ पर आए हैं और ऐसे दिव्य प्रवचनों को हम श्रवण कर रहे हैं महाराज जी की श्रीमुख से। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसमें हमें विश्वास रखना है कि वाकई जो है ये सौभाग्य की बात है, इसको उतना ही गुरुत्व देना है। क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो हम माया से बचे हुए हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में बैठे हुए हैं तो हम माया से बचे हैं। अगर हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे, बाहर जाएंगे तो माया एकदम उन्हें पकड़ लेंगे, उनकी कृपा से ही उनके बल से हम बचे हुए हैं और वो हमें आकर यहाँ पर हरि नाम हरि कथा ये सब कृपा से दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए सौभाग्य की बात, यही हमारा सौभाग्य कि वो हमारे पर कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा ही हमारा सौभाग्य। इसके अलावा हमारे पास और कोई हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन। जितना जितना आप आगे चलते जाएंगे यही और एहसास बढ़ता जाएगा कि हम तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी ही कृपा से ही जो है जीवन चलेगा, अन्यथा नहीं चल सकता। और ये विशेष तिथि है, गुरु महाराज की कृपा से जो है हम इस संप्रदाय विशेष में आए हैं और एक ये बहुत ही विलक्षण अद्भुत और बहुत ही उच्च कोटि का संप्रदाय विशेष है, जहाँ पर बहुत तत्व विचार रस विचार अथाह सागर की तरह है, बहुत श्रेष्ठ कोटि, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और संप्रदाय में हम जाएं देखें तो जो हमारे संप्रदाय विशेष में है गुरु आचार्य वैष्णव की पाल को बरस रही है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें इसको बहुत महत्व देना है, बड़े ध्यान से जो है एक एक शब्द को जो है हमें श्रवण करना है, उसमें से हमें एक भी सूत्र अगर हमें मिल गया, क्योंकि ये सब शब्द ब्रह्म है जो ये बोल रहे हैं गुरु वैष्णव आचार्य महाराज, ये सब शब्द ब्रह्म है, उसमें से एक भी शब्द अगर हमने हृदय में धारण कर लिया वही हमें जो है इस काम जगत से पार कर देगा, बाहर ले जाएगा हमें इससे, बिल्कुल यहाँ पे हम कहीं भी अटकेंगे नहीं। तो उनके श्रवण में बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द, थोड़ी सी भी अगर सावधानी इधर से उधर हुई तो वो छूट जाएगा उसमें विचार, बहुत गहरे विचार हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द में जाते जाते बहुत सारे विचार आते हैं, सब बहुत ही गहरे विचार हैं। तो बहुत ही हाथ जोड़ के कर बस सबसे प्रार्थना है कि एक एक शब्द को जो है बहुत ध्यान से बड़े गुरुत्व के साथ सुनेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, उसको जीवन उतारने की कोशिश करेंगे। यही कृपा प्रार्थना है कि महाराज जी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें हम सबके ऊपर और आकर के हमें जो है अपनी कृपा से जो आप लाभित करते रहे। ठीक है, करना जय दामोदर प्रभु है यहाँ पर, रोहिणी दामोदर सब इधर आ जाओ, और ऊपर है प्रभु जी, राजकुमार है अब इस तरफ में आ जाओ, सब जो गुरुदेव का शिष्य सब इस तरफ में आ जाओ, हाँ सबके सब हे हरे कृष्ण, आ जाओ आ जाओ सब, हमारे चिराग चैतन्य आओ, वो आने से पहले तुमका बोलना था, आज खड़े हो जाओ जल्दी आओ, जल्द फटाफट खड़े हो जाओ जल्दी आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ पीछे क्यों, रोहिणी राजकुमार दामोदर सब गुरु जी का शिष्य सब सामने आ जाओ, सब इधर इधर फटाफट नीचे
नीचे नीचे नीचे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृत ग्रंथि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करह विशालाक्ष दीर्घार गल युगल खेलांचित भुजौ सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने पूज्यपाद सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आज जिनका तिरोभाव तिथि है और जिनकी आविर्भाव तिथि है, दोनों वैष्णव कुल श्रेष्ठ भूषण, दोनों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया जो अपना जो यहाँ बैठ